नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, यहाँ एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता के अनुसार? श्राद्ध लाभ निश्चित है, लेकिन बात वही है यदि हमारा भाव है तो। ये श्राद्ध और तर्पण हैं वो केवल पितरों तक के लिए है, पूर्वजों का स्मरण उस माध्यम से होता है और जो पूर्वज परंपरा है हमारी उसके प्रति एक कृतज्ञता रहती है, कृतज्ञता का भाव बनता है। और एक भाव ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि पहुंचता है कि पितरों तक, निश्चित पहुंचता है यदि हमारा भाव है। और पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ऐसे पुराणों में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जब भगवान राम ने कुछ तर्पण किया, श्राद्ध किया अपने पिताजी के निमित्त, तो सब पूर्वज खड़े हुए दिखाई दिए और सीता जी सचा गए। तो हम यदि भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से वो पहुंचता है, ऐसा मान के चलना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरों विनती करूं, दरों चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे ओए। अपने आत्माओं, अब बात रही सरहद निकालने की। ये क्या लोक वेद सुनाते हैं, दुनिया को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का सरहद किया था, और वहाँ पर कहते हैं उनके पूर्वज सभी खड़े दिखाई दिए, ही न ज्ञानी ऋषि मह ऋषि नकलियों ने उनके पूर्वजों को भूत बनवा दिया या गलत साधना करवा कर। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे। श्राद्ध निकालना, अस्थि उठाना, पिंड भरवाना, ये भूत पूजा, ये नहीं करनी चाहिए। अभी प्रमाण दिखाते हैं आपको। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे, देवताओं की पूजा करते हुए देवताओं के पास जाएंगे। और मेरी यानी गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो इन्होंने ये भूत पूजवा के सारे भूत बनवा दिए। तो श्री रामचंद्र जी के सारे पूर्वज खड़े दिखाई देंगे, सारे भूत बन रहे हुए प्रेत बन गए, और बनवाने वाले ये दंत कथा सुनाने वाले यज्ञानी ऋषि मह ऋषि मंडलेश्वर को आवे, बैठा बैठा दिया पूरे मानव समाज का, को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब आपको दिखाते हैं, मार्कंडेय पुराण में दिखाते हैं। एक रुचि नाम के ऋषि थे, उन्होंने शादी नहीं, विवाह नहीं करवाया, वेदों को समझा, अच्छी तरह ज्ञान ग्रहण किया। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वो पुरुष होता है जिसने ये जान लिया कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, अन्य अनुपासना की, तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी आधार से उस रुचि ऋषि ने वेदों का ज्ञान गहनता से जाना और समझा, और उसी आधार से उसने विवाह भी नहीं करवाया, वेदों अनुसार साधना करता था। जब वो 40 वर्ष का हो गया, उसकी चार पीढ़ी के भूत दिखाई दे गए, पिताजी, परपिता और
परदादा, पिताजी, दादाजी, परदादा और दादा परदादा का पिता, और उन्होंने उस पुण्य आत्मा को मिसगाइड कर दिया। अब ये प्रसंग थोड़ा सा अपने पुराणों में दिखाते हैं, मार्कंडेय पुराण ये देखिएगा। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे, यानी उसने कोई आश्रम ही बना रखा था। उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, पितरों ने जो भूत बन गए थे उनने, पितर बोले, बेटा विवाह सर्ग स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा, मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले सत्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होकर होने पर भी ये आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्तवर्ती जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ यत्न है। जितेंद्रिय फिर के पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हैं वह मोक्ष मार्ग है। ये नीचा तो इसका मोक्ष मार्ग हो जाए, वह तो मोक्ष मार्ग है किंतु फलाना फलाना देखो। अब यहाँ देख, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख और दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। अब रुचि ने पूछा, देख तोड़ पा, यहाँ एक सारांश आ गया। रुचि ने पूछा, पितामहो, ये चार भूत दिखाई दे गए उसने, ये देखो ये चारों भूत खड़े हैं आकाश में। अब ये इसने ठीक साधना कर रहा था, अन्यों का ही तो मोक्ष मार्ग है, अरे आप भूत बन गए जो उस इसको भूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी श्राद्ध आदि निकालने को अविद्या कहा है यानी अज्ञानता कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। और पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को यानी सरासरूद निकालने को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया और के रह गया, फिर बता। और फिर भंडारण नागरे इसने ऐसे कर ले ऐसे कर ले। अब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, अय अपनात्मा जो ये कहते हैं श्राद्ध भी निकालने चाहिए, रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों के निकाले, वो इन पूर्वज उसने दी गए, सारे भूत बन रहे थे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते कि नहीं निकालना चाहिए, वेद कहते हैं ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो सत साधना करेगा उनके सब पितर भी मुक्त हो जाएंगे, स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, उसको भूत तक कोई नहीं बने।
रभोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रभोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कहीं कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। जैसे एक बुढ़िया ले जाएगी अपने पुत्र वधू ने और साथ में नवजात पौत्र को और गुड़गांव वाली माता पर जाते हैं या अपने किसी देई धाम पर जाते हैं और वहाँ एक नाई बैठा होता है और इन नकली गुरुओं ने बहका रखे होते हैं कि प्रथम बाल वहाँ माता का चढ़ाओ अपने देई धाम पर चढ़ाओ। वो बुढ़िया जाती है और कहती है भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, और वो जल्दी में होता है क्योंकि उसने बहुत गनों के काटने होते हैं। और वहाँ देई धाम पर यदि बाहर कोई सारे बाल 5 रुपया में काटता हो वो देई धाम पर 20 रुपये लिया कर 4 गुने तक कीमत लेगा। और जल्दी होती है सभी को और वो कहते हैं बस 5-4 बाल थोड़े से काट दे मन तो चढ़ाने हैं माता को, बाकी फिर कटवा लेंगे। मोटे मोटे से वो बाल काट देता है और क्या कहती है वो बुढ़िया ने, यूँ कहती है अरे नाई के देख भाई नाई धीरे धीरे मेरे पुत्र के मेरे बच्चे के मेरे लला के कच्चा सिर है, कच्चा सिर कहीं कच्ची कैंची ना लग जा, इसको पीड़ा ना हो जा, ध्यान से काटना बालों को। परमात्मा कहते हैं अपने बच्चे का तो कैंची लगन का भी डर, कहीं पीड़ा ना हो जा। और एक बकरी का बच्चा लेके वहाँ तने बलि चढ़वा दिया, रे भोड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाड़ उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब वह बुढ़िया क्या करेगी, उन बालों को लेगी हाथ में और जाकर चढ़ावेगी मंदिर में, उन बालों को वो पुजारी उठा लेगा तुरंत और एक कट्टे में गाल लेगा, कट बोरी भर लेते हुए, और उसको उठाकर शाम के समय बाहर कुरड़ियाँ पर फेंक दे। और पुजारी कौन सा उन बाला ने बैंक में जमा कराओगा, उसने बाहर फेंकने शाम ने। तो परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों के बाल कितने कटवाओ और कितने फेंको, तुम ये मंत्र जाप करो यथार्थ मंत्र, मनमाना आचरण मत करो। फिर क्या कहते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब ये माता धोकने जाते हैं वहाँ पर एक 2-2.5 फुट ऊंचा और 1 फुट का उसका अंदर रेजिडेंस स्थान, और उसको माता का यानी इष्ट देव का वो मानते हैं पूजा स्थल, वहाँ जाके कच्चा पक्का भोजन पूड़े चढ़ा दिए जाते ही। अब बुढ़िया तो नीचे उतरा कोनी उस स्थान पर, इतने में कुत्ते तैयार खड़े रहते हैं, वो पहले तो पूड़िया न खावें, वो माता तो चढ़ा का ही है, माता के भोजन ने कुत्ते खावें और उसके माता की चोटी मूत खावें। अब परमात्मा कहते उस तेरी माता ऊपर कुत्ता मूत है, उसने क्यों ना मार देती वो तुम्हारी इष्ट धाम,
तुम्हारा देही धाम, अगर उसकी पूजा करने से तुम्हें कोई सुरक्षा वो दे सकता है तो कुत्ते ने क्यों ना खत्म कर देता, उसके ऊपर मूत्र उसके माल न खा गया। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप के लठम लठा ये मुवे गंग पुचैया। भाई जीवित बाप के लठम लठा ये मुवे गंग पुचैया। जब आवे आसोच का महीना वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने आत्मा कहते हैं पिताजी जब जीवित है उस समय तो उसको उसकी सेवा करते नहीं, अब मृत्यु के उपरांत उसके स्वाहा कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, फिर उसकी अस्थियां उठा कर और गंगा में जल प्रवाह करा गाऊंगे। अब परमात्मा कहते हैं जीवित बाप गेल तो लठम लठा और मरे पाचन्यो गए पिताजी की गति करा गावांगे गंगा में। अब देखो ये गति कहाँ से कराने लगे थे, कहते हैं अस्थियां उठाओ तेरे पिताजी की गति करा काओ गंगा में डाल दिए चलो। फिर कहते हैं तुम्हारा पिताजी की तैर मी करो गति कराने के लिए, और पहले तो खाड़ा था आए महीना है महीना बनाओ, फिर बरसो दी यानी एक साल के बाद फिर त्या बनाओ गति कराने के लिए अनुष्ठान करवाते थे। और फिर क्या कहते हैं तुम्हारा पिताजी पितर बन गया, अब उसके श्राद्ध निकालो, भूत बन गया श्राद्ध निकालो। और आसोज के महीने में जिस भी तिथि को मरा है उस तिथि को अवश्य इन नकलियों को बुलाओ और उसका पेट भरो। और वो क्या करता था, भोजन उठा करके छत पर रख देता था कि देखो अब कौवा भोजन खाएगा, कौवा आ गया भोजन खा गया, कहने लगे तेरा पिताजी कौवा बन गया, उसको भोग लग्या हुआ, देख कौवा बन गया। अरे थरा गजब हुई हो, गति कराण लगे थे कौवा बना के छोड़ दिया, कहाँ से गति कराने लगे थे उसकी और कौवा बना के छोड़ दिया। परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप के लठम लठा मुवे गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना फिर वो कौवा बाप बनैया, यो तुम्हारा बाप कौवा बन गया, देखो भोजन इसको भोग लग गया कौवा खा गया, न्यो मूर्ख बना रखे इन नालायका ने जिन्हें कह खेगा नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये सब भूत पूज के पुजवा के भूते बना दिए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, ये सौदा फिर नाही संतो ये सौदा फिर नाही। लोहे के साताब जात है काया दे सराही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने करे चौगने किन्हो मूल गवाही। अब फिर क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मर घटकू ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। पुराण उठा के पंडित आए पीछे गुरुड़ पढ़ाई। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये छप्पन भोग कहा मन बोरे की तो कुरड़ी चुरने जाई। प्रेत सला पैजा पराजे पितरों पिंड भराई। बहुर सराध खान को आए फिर काग भये कल माही। अब कहते हैं गुरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद। परमात्मा कहते तुम पहला कराओ उसने गुरुड़ का पाठ। अब गुरुड़ पुराण के अंदर बहुत विस्तार से लिखा है कि मृत्यु के उपरांत जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसा फल मिलता है, अरे उसको ले जाते हैं यम के दूत बांध कर, जिसने पुण्य नहीं किए पाप किए हैं तो उसको खाना नहीं देते आहार नहीं देते नंगे पैरों ले जाते हैं, किसी ने ऐसा जुल्म किया उसकी आंखें फूट जाती हैं, कोई ऐसा पाप करता तो उसका लड़का मर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मरने के बाद गुरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो, उसको पहले पढ़ाना चाहिए था गुरुड़ पुराण, ताकि वो पापों से बचता बुराई ना करता धर्म पुण्य करके अपना कल्याण करवा जाता। पुराण बांध फिर पंडित आए पीछे गुरुड़ पढ़ाई। और फिर कहते हैं नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये छप्पन भोग कहा मन बोड़े की कुरड़ी चढ़ने चाहिए। प्रेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई। पिंड भरवा दिए अनु के फिर
बहुत सराद खान को आगे वो काग बन गए कलमा ही, ये कलयुग में फिर इस संसार में कौवे बन गए। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि परम संत की शरण में आ जाते तो ये सभी कर्म कट जाते, किसी की जरूरत नहीं थी ना श्राद्ध करने की ना कित, और सभी कर्म पूर्ण परमात्मा ही काट सकता है, ये श्री कृष्ण जी नहीं काट सकते। और सकल कर्म कट जाई अमरपुरी, यानी उस सनातन परम धाम को चले जाते जहां कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार परमात्मा के तत्व ज्ञान से आप इस अध्यात्म ज्ञान को समझें और अपना कल्याण करवाएं। सत साहिब। महाराज जी, क्या श्री कृष्ण भगवान हमें श्राप या कर्म दंड से मुक्त कर सकते हैं? क्या हमें पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकते हैं? निश्चित और निसंदेह, यदि हम उनकी शरण में आते हैं। ऐसा गीता में अनेक बार आया है, भगवान कहते हैं तू मेरे पास आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब विपरीत धर्मों का आश्रय अर्थात विपरीत आचरणों का जो तूने अब तक ले रखा था तू उसका त्याग कर और एकमात्र मेरी शरण में आ जा अर्थात ईश्वरीय भाव में आ जा। उसके पश्चात भगवान आश्वासन देते हैं, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। उसे पाप कहो, श्राप कहो, अभिशाप कहो, संताप कहो, कोई भी शब्द कहो, भगवान सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष प्रदाता हैं, निश्चित रूप से ऐसा वो कर सकते हैं। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आ गए ओए। किसी ने प्रश्न किया श्री कृष्ण भगत से, क्या श्री कृष्ण भगवान हमें श्राप और पाप कर्म दंड से मुक्त कर सकते? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हाँ श्री कृष्ण हम सब पापों से मुक्त कर सकते हैं। और प्रमाण के लिए क्या बोला, श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। ये उत्तर दिया इन अज्ञानियों ने। अब यहाँ सर्वधर्मान परित्यज माम क्या कहता गीता ज्ञानदाता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन तीनों के जाप की विधि बताई है, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, ओम सर्वपुरुष का, ब्रह्म का, और ये तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का जाप है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में क्या प्रमाण है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है तो मेरे सत्र की जो साधना तूने की है ओम नाम की और यज्ञ आदि, वो मुझ में छोड़ दे। हम क्या करते रहे, हम ओम नाम का जाप जपते, पहले ऋषि महर्षि यानी सतयुग त्रेता द्वापर में केवल एक ही मंत्र था,
और हम क्या करते रहे, उसकी मंत्र की कमाई से ब्रह्मलोक में चले जाते और वहाँ अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर वापस आ जाते। और यहाँ विधान है इस काल का, ब्रह्म का, इसके लोक में जब तक ये प्राणी है और इसको यो तीन मंत्र का जाप परम संत से प्राप्त नहीं होता, सतनाम सारनाम, तो उसको जैसे कर्म किए दोनों भोगने पड़ते। अब ओम नाम के जाप की कमाई तो हम ब्रह्म लोक में नष्ट कराते, वो पाप हमारे ज्यों के त्यों रह जाते, उन पापों को हम कुत्ते गधे सुअर बनकर यहाँ भोगते रहे। अब हम कैसे करेंगे, ये कहता है कि मेरे सत्र का जो ब्रह्म का ओम मंत्र का जाप है तीन मंत्रों में से, तो उस सर्वधर्मान परितज माम, मेरे सत्र की जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं तूने की हैं वो मुझ में छोड़ दे, इसका प्रतिफल ना ले, मेरे सत्र की सब पूजाओं को मेरे को दे दे, ओम नाम के जाप को और ये गादी जो तूने की है मुझे दे दे, छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा, व्रज माने जाना होता है, इन्होंने अनर्थ कर रखा है, व्रज का अर्थ आना कर रखे, ये यहां भी इन्होंने बठा बठा रखा, सारा सार ही बदल दिया गीता जी का, पूरा अज्ञान कर दिया, सभी अनुवादकर्ताओं ने बठा बठा रखा है, सभी ने कहा कि व्रज माने आ जा आना, जबकि व्रज माने जाना होता है, पहले इस शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा संस्कृत हिंदी कोष, वामन शिवराम आपटे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है, इसके 993 पृष्ठ पर व्रज माने जाना चलना प्रगति करना विदा होना, ये सारा है निर्वासित होना, व्रज माने जाना आना नहीं होता, गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता, एक सीधी सी बात है, इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं, व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी, ये देखिए जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक है, इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, क्या अर्थ किया इन्होंने, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, व्रज माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है एक राम सुखदास जी, बड़े महाविद्वान माने गए हैं, और उनका अनुवाद देखिए, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका श्रीमद् भगवत गीता, स्वामी राम सुखदास जी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वही है, प्रकाशक भी वही है, ये है अध्याय 18 श्लोक 66, अध्याय 18 और श्लोक 66, ये 66 श्लोक, इसमें ये व्रत शब्द है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और देखिए
इन्होंने इसने सन इस 1200 पृष्ठ से लेकर पृष्ठ 1200 से लेकर और 1217 तक ये 1866 श्लोक और छोटी छोटी लिखाई है, कति लोग देखियो दूर तक बिल्कुल बहुत बारीक लिखा है और इतने बड़े बड़े पृष्ठ होकर रखे एंड बैंड है क्यों नहीं पता था ही नहीं कहेगा 16-17 पृष्ठ भर दिए उस अज्ञान को अपने अज्ञान को उल्ट सुलट करने के लिए हाय हाय हाय। और इसमें लिख रखा है मेरी शरण में आ जा, जबकि इसका अर्थ गाना होता है। अब तीसरा दिखाते हैं सुधांशु जी महाराज, आचार्य सुधांशु जी महाराज, विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली से। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिश के पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन, नई दिल्ली, दूरभाषा। ये है वही ठर में जाएगा, ठर में जाए 66वां श्लोक वर्ज, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज, अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, ये स्वामी सुधांशु जी का अनुवाद है, तो केवल मेरी शरण में आ जा, बस इतना बतेरा, इनकी हिंदीकरण में इतना ही काफ़ी है। तो आसाराम जी के आश्रम से इसका अनुवाद हुआ है, तो आसाराम जी को यो मान्य है, श्री संत आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, श्री योग योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, इतना इतना इतना। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 है वर्ज, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरण वर्ज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वानंद सर्वज्ञानंद आदि संपादक हंसादेश, प्रकाशक हैं मानव उत्थान सेवा समिति, दोपटा 12 पंजाब विभाग, नई दिल्ली से। ये है अष्टदशो अध्याय और यहाँ आ जाइए, इन्होंने कट्ठे ये तो 63 तक तो यहाँ है, अब 63, 64, 65, 66 तीन कट्ठे गोट रखे हैं। ये है वर्ज, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका ये तो 63, 64 का अनुवाद है, अब 65 का 66 का यहाँ दिखाते हैं। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्भगवत गीता, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदी पॉकेट बुक्स, लेजर मुद्रक हैं, डॉट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अब आपको दिखाते हैं एस्कॉन वालों की, इन हंद कमाल लिख रखे है, ऊपर मीनिंग अर्थों में तो ठीक लिख रखे है व्रज माने जाना, और अनुवाद में फिर वही घुमाना। ये देखो गीतोपनिष्ठ यथारूप द्वारा कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट लॉस एंजल्स लंदन स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई। अब ये कहाँ से छपी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के लिए भीम दास द्वारा हरे कृष्ण धाम
जो मुंबई से प्रकाशित रेखा प्रिंट्स प्रिंट दिल्ली से मुद्रित 18वां अध्याय है ये और यहाँ 66वां श्लोक। सर्व धनवान प्रीताज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापी व मुक्षामी मासुच। ये यहाँ 553 पद इसकी केवल संस्कृत है और 554 पर हिंदी है। 554 पर ये देखिए, इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ अलग लिख दिए। सर्व धर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म और वर्ज माने जाओ, बिल्कुल ठीक है। शरण में वर्ज माने जाओ, वर्ज माने जाना ही होता है। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद किया, शब्दार्थ तो ठीक लिख दिए कि कुपन डेगा तड़ बेवकूफ ना बना दिया हमने, और यहाँ फिर वह बात क्यों समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, चौड़े में झूठ बोल रहे। वर्ज माने जाओ और यहाँ लिख रहे वर्ज माने आओ, कर दिया दाराड़े अड़े नाश कर रखा तुमने। सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज। वर्ज माने उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा और मेरे ओम नाम के सत्र का जो साधना वो मुझे छोड़ दे। अहम तवा सर्व पापे भ्या मुक्षामी, मैं तुझे फिर गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाऊंगा, तू चिंता ना करे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि मेरी सत्र की पूजा मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, 1 से लेकर 4 में सार किया है और 15वें अध्याय के 16 और 17 में 17वें श्लोक में क्लियर किया है। परम अक्षर ब्रह्म है और वो सबका धारण पोषण करता है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर साधक कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसके संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिस परमेश्वर ने इन सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष होता है, परम शांति प्राप्त होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी यही आशय है, यही प्रमाण है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। और ये श्री कृष्ण जी के भक्त ये अज्ञानी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु, श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी कहो, ये सभी श्राप नाश कर सकते हैं, सभी पाप नाश कर सकते हैं। श्री विष्णु जी पर अपने पाप और श्राप नाश नहीं हुए, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण जी हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा श्रीमद भगवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 10वें स्कंद और 549 पृष्ठ पे अध्याय 3 का 10वें स्कंद का, जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुनुबियां अपने आप बज उठी, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए जन्म लिया। जैसे सर्व पूर्व दिशाओं में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो, इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु इज श्री कृष्ण, देवकी के गर्भ से श्री विष्णु ने जन्म लिया। अब जैसे ये श्री कृष्ण भगत कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब श्राप मुक्त कर देता है, सब पापों का नाश कर देता है, और श्लोक सुनाते हैं प्रमाण के लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। अपने आत्माओं एक ने नहीं सभी ने, किसी की भी आप अनुवादित पुस्तक उठाकर देख लेना जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी का अनुवाद किया हुआ है, सभी ने वर्ज माने जाना, वर्ज माने जाना होता है लेकिन आना किया हुआ है।
अब जैसे श्री विष्णु जी ने नारद जी को बंदर का मुंह लगा दिया था, क्योंकि नारद जी विवाह कराना चाहते थे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि मुझे आप हरि रूप दे दें। विष्णु जी ने उसको बंदर का रूप लगा दिया नारद जी को, और नारद जी जब पहुंचे स्वयंवर में तो उस लड़की ने उसकी शक्ल देख करके मुंह फेर लिया। किसी व्यक्ति ने उसको दर्पण दिखा दिया कि अपना चेहरा देखो। दर्पण में क्या देखा उसने कि उसका बंदर का मुंह लगा है नारद जी के। तो नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मैं औरत के वियोग में दुखी हूँ, ऐसे तो पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। श्री विष्णु जी ने राजा दशरथ के घर अयोध्या में जन्म लिया कौशल्या के गर्भ से। युवा हुए, विवाह हो गया सीता जी से, फिर वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ और फिर काफ़ी युद्ध करके सीता जी को वापस लाए, और आते ही कुछ दिनों के बाद सीता जी को घर से निकाल दिया श्री राम ने। अब नारद जी के श्रापवश विवश होकर के उसने ये सब दुख भोगना पड़ा। उस अपने भी श्राप को विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी नाश नहीं कर सके। और ये बात बनाव कहते सबके श्राप और पाप कर्म दंड नाश कर सकते हैं। श्री रामचंद्र रूप में श्री विष्णु जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, वध किया था धोखे से वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी कर्म दंड भोगना पड़ा विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने। दुर्वासा ने श्राप दिया था कि यादव कुल का नाश होगा, श्री कृष्ण के सभी पुत्र पौत्र प्रपौत्र और 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से नष्ट हो गए। और श्री कृष्ण जी के पैर में एक विषाक्त तीर मार के श्री कृष्ण जी का वध किया। किसने? उस बाली वाली आत्मा जो शिकारी बना हुआ था, श्री कृष्ण जी के समकालीन था, और उस शिकारी ने विषाक्त एक तीर बनवा रखा था, वो श्री कृष्ण जी के पैर में मारा धोखे से। श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे वृक्ष के नीचे घुटने पर पैर रख के, उनके पैर में पद्म था। शिकारी ने सोचा कि ये वृक्षों की झुरमट के अंदर से किसी मृग की हिरण की कोई आंख दिखाई दे रही है। उसने सोचा या कहीं आहट पाकर भाग ना जाए, आंख समझकर मृग की भगवान श्री कृष्ण के तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी से आपको पता चलेगा ये कौन कितने पानी में है। ये भ्रमित कर रहे हैं आप जी को और पूरे मानव समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ये सतभक्ति ना बता पा रहे हैं, अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और आप जी को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इनसे पीछा छुटवाओ, इस यथार्थ ज्ञान को समझो, इस दास के पास आओ, अपना कल्याण करवाओ। कबीर परमेश्वर को तो कहते ही तो अनपढ़ था, किसी ने पढ़ाया को नहीं है, पंडितां दोरा घूमिया, ये पंडितां ने काट रहा की टाट, यू कर दिया गहरे नाश कर रहा, ख्यान रथ कर दिए। और परमेश्वर ने 600 साल पहले ये बता रहा कि सारी कहानी कति यथार्थ रूप दे रखा मालिक ने, कबीर वाणी में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये यथार्थ ज्ञान दे रखा है।